तो ये है हमारे पास राइट ऑन कार, जिसका ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये ख़राब है। तो आज हम इसे ठीक करने वाले हैं। तो ये किस तरीके से ठीक होगा इसे देखने वाले हैं हम। तो चलिए इसे देखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस बोर्ड को। म्यूजिक प्लेट किस तरीके से ठीक होती है राइट ऑन कार की और क्या क्या इनमें प्रॉब्लमें आती हैं। तो ये हमारी 6 वोल्ट की म्यूजिक प्लेट है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हमारी चल तो रही है लेकिन इसमें आवाज़ किसी प्रकार की नहीं आ रही, केवल लाइट चल रही है। तो देखिए, आप जानते देख पाएंगे कोई भी जो राइड ऑन कार होती है उसकी म्यूजिक प्लेट ख़राब हो जाती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पीकर की जो आईसी होती है वो ख़राब होती है। तो इसे कैसे ठीक करते, तो आप यदि देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो आईसी है इसकी, ये वाली, ये जल चुकी है। तो प्रॉब्लम इसकी वजह से ही आ रही है हमारी। और इसी तरीके से हर म्यूजिक प्लेट ही अलग अलग आईसी होती है जो कि ये प्रॉब्लम करती है। तो कैसे ठीक करेंगे इसको, किस तरीके से होने वाला इसका सोल्यूशन, और आसानी से कंपोनेंट्स इसके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मार्केट में, उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। तो मैं पहले इसे ओपन कर लूँगा। ठीक है, मैंने इसे ओपन कर लिया। तो ये हमारी म्यूजिक प्लेट है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसमें ये वाले टर्मिनल हमारे बैटरी के हैं और जो स्पीकर के हैं वो हमारे ये वाले वायर है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, SP यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमारे जो है, ये हमारे कीज के हैं जो कि हैंडल के अंदर जाती है, बटन जो हैंडल वाले होते हैं। और ये हमारे लाइट के हैं। तो यहाँ से हमें वोल्टेज देना है। तो अब वोल्टेज में देख लीजिए प्लस माइनस कौन से हैं इसके। तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी का मतलब ग्राउंड होता है जो कि बैटरी का नेगेटिव पॉइंट होता है, और बीच वाला है हमारा बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट। तो सबसे पहले मैं 2 वायर कनेक्ट कर दूंगा इसमें, और 2 वायर मैं आपको स्पीकर में कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि पहले ये चल रही है या नहीं चल रही। पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर मैं आपको आगे इसकी प्रोग्रेस बताता हूँ। अभी मैंने बैटरी के लिए वायर कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर ब्लैक वाला वायर हमारा नेगेटिव वायर है, और जो ये ब्राउन रंग का वायर है ये हमारा पॉजिटिव वायर है। अब स्पीकर के लिए भी 2 वायर कनेक्ट कर दूंगा मैं, और स्पीकर भी कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी मैंने एक स्पीकर ले लिया है, छोटा स्पीकर लिया है मैंने, ताकि आपको कनेक्शन समझा सकूं मैं। और स्पीकर के वायर स्पीकर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। हर प्लेट में अलग अलग वायरिंग होती है, मैं आपको अभी 6 वोल्ट प्लेट की वायरिंग समझा रहा हूं। तो अभी हमने स्पीकर के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। तो अभी देख लीजिए, मैं इसे ऑन करूंगा और आपको चला के दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले मेरी पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे 5.1 पे सेलेक्ट है ये अभी। तो अभी मैं यहाँ से इसे ऑन करूँगा, इससे पावर दूंगा। नेगेटिव अब हमने कनेक्ट कर दिया, देख लीजिए अभी हमारी म्यूजिक प्लेट है। अब मैं इसको नेगेटिव को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये अब हमारी देख लीजिए चल चुकी है। ठीक है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं आ रहा, देख लीजिए। वापस से कनेक्ट करता हूँ मैं, देख लीजिए हमारी चल रही है। अभी 6 वोल्ट की है तो मैं यहाँ पर 6 वोल्ट भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है बैटरी को, तो 6 वोल्ट हमारा हो गया है, देख लीजिए। लेकिन मैं इसमें किसी प्रकार का कोई बटन दाब रहा हूँ तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसी को ही ठीक करना है। तो चलिए इसे अब मैं आपको ठीक करना बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेरी पावर सप्लाई को ऑफ कर दूंगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से वायर को, और फिर हम इसके कनेक्शन समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप जो आईसी देख पा रहे हैं, ये इसका नंबर मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, जब आपको दिखेगा थोड़ा सा। इसका नंबर है 802A। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो वायरिंग है उसे मैं समझाता हूँ कि इसकी जो पिनआउट है वो किस तरीके से है और हम इसे कैसे ठीक करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आईसी को रिमूव करेंगे यहाँ से, और इसकी जगह हम एक दूसरा बोर्ड का यूज़ करेंगे। हम इसका यूज़ करेंगे PAM8403 एम्पलीफायर। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो इसके कनेक्शन इसके साथ कैसे होंगे, तो उस चीज़ को समझेंगे। इसके लिए हमें इस आईसी की जो डायग्राम है उसे समझना होगा। तो चलिए मैं आपको आईसी का डायग्राम दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आईसी का डायग्राम है, जो हमारी ये वाली आईसी लगी हुई है, देख लीजिए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो हमारी आईसी है, ये वाली आईसी यहाँ पर, तो इस आईसी की ये पिन आउट है। आईसी में ये डॉट आपको दिख जाएगा यहाँ से, और ये कट दिख जाएगा। तो इस तरीके से आईसी की पिन होने वाली है। तो यहाँ पर जो 6 नंबर की पिन है, 6 नंबर हम यहाँ से काउंट करेंगे, मतलब यहाँ से हम करेंगे इसे काउंट। तो
तो यहाँ 4 हो गए, 5 और 6। तो जो इसकी 6 नंबर पिन है वो हमारी पॉजिटिव पिन है, जिसमें हमें 5 वोल्ट से लेकर 3.7 वोल्ट तक आउटपुट मिलता है। और 7 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है, और ऑडियो इनपुट है वो हमें पिन नंबर 4 में देना है। बस हमें यही तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑडियो इनपुट हमें कहाँ से देना है। तो ऑडियो इनपुट हमारा पिन नंबर 4 होने वाला है, तो इनपुट हम यहाँ से करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ से ले लेंगे। तो चलिए अब मैं सबसे पहले तो इस आईसी को निकालता हूँ और यहाँ पर उस बोर्ड की वायरिंग करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और पहले इस आईसी को मैं निकालता हूँ। तो अभी हमने देख लीजिए, इस आईसी को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस आईसी में हमें एक तो पिन नंबर जो 4 है, यहाँ से हमें जो हमारा इनपुट है उसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसके कनेक्शन कैसे होंगे वो मैं समझाता हूँ आपको, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने इस एम्पलीफायर को ले लिया। इस एम्पलीफायर में मैंने देखिए 5 वोल्ट और ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर 5 वोल्ट जो है हमारा, देखिए ये येलो वायर है और ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड वायर है, तो इन्हें हमें कनेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये हमारी आईसी थी, तो इसकी पिन नंबर 6 में हम पॉजिटिव दे देंगे। आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो, इसे मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मिलते हैं। तो पिन नंबर 7 है वो हमारी नेगेटिव पिन है, तो अभी हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया है। अब हम जो देखिए हमारे एम्पलीफायर का जो इनपुट वायर है L, देख पा रहे होंगे आप, इनपुट वायर में हम ऑरेंज वायर को कनेक्ट किया हुआ है हमने। अब इसे पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो पिन नंबर 4 के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे स्पीकर का वायर है इसे यहाँ से निकाल लेंगे। और इस स्पीकर के वायर को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस एम्पलीफायर में यदि आप इधर आउटपुट देते हैं L पर, तो आपको यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी यहाँ पर मिलेगा। और यदि आप R में देते हैं आउटपुट, तो आपको जो आउटपुट है वो R में मिलेगा, मतलब सॉरी इनपुट आप यदि L में देते हो तो L में मिलेगा, और R में देते हो तो आपको R में मिलेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर L में दिया हुआ है, तो मुझे L में ही आउटपुट मिलेगा यहाँ से। तो चलिए मैं लेफ्ट में कनेक्ट कर देता हूँ हमारे इसको स्पीकर को। तो अब हमने ये कनेक्ट कर दिया है, देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे ऑन करके देखेंगे बोर्ड को। अब इस कंडीशन में अभी हमने इसके सारे वायरिंग कर दिए, अब मैं आपको इसी कंडीशन में इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए बोर्ड को, यहां से मैं मेरी पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लूंगा वापस से। तो अभी मैंने मेरी पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लिया है, और पावर सप्लाई में हमारा 6.3 वोल्ट आ रहा है। तो अभी देख लीजिए यहां से ये हमारा ऑन है। तो अभी हमारी देख लीजिए प्लेट ऑन हो चुकी है। ये अब हमने पूरी प्लेट को रिपेयर कर दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ये हमने बहुत ही आसानी से आपको जो इसकी म्यूजिक प्लेट है इसे रिपेयर करना सिखाया, और किस तरीके से यदि आपको इसकी आईसी नहीं मिलती है तो आप इस बोर्ड का यूज कर सकते हो, और ये बोर्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। इस बोर्ड का नाम PAM8403 है। तो ये बोर्ड ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाए, 30 रुपये का ये मार्केट में मिल जाता है, और इससे हमने इस म्यूजिक प्लेट को ठीक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे इसकी ये आईसी थी, ये आईसी भी ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन
ये कॉस्टली होती है, हो सकता है आपको नहीं मिल पाए, लेकिन ये बोर्ड आपको आसानी से मिल जाएगा और आप इसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।